YouTube चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज मैं कक्षा 12 के एक्सरसाइज 2.2 के जो हमारे सवाल आएंगे थे उसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए हमारे पास आता है 14वां सवाल, इसमें दे रखा है कि sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। 15वां सवाल है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास दो सवाल आते हैं, इसमें से सबसे पहले मैं अपने यानी 14 सवाल चलता हूँ। इसमें देखिए हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, यहाँ पर हमारे पास ये जो साइन है इस साइन को हम उधर लेके चलेंगे तो ये इनवर्स में चले जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स यानी कि 1। अब देखिए साइन में जो 1 टैन की वैल्यू होती है वो हमारे पास यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यानी कि साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो हमारे पास 90 की होती है, 90 डिग्री की होती है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज कर लिया, पाई बाई 2 लिख लिया। साइन इनवर्स साइन इसका मान हो जाता है 1। यहाँ पे इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे, देखिए वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास आता है फार्मूला यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। हमें क्या है यहाँ पे, यानी कि हमें कॉस के पदों में यानी कि इसका मान यहाँ से निकालना है, वो इसमें हमें पटअप करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास अब साइन साइन के ही स्टेप हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, साइन उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ हम जो रखेंगे यानी कि cos इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, यहाँ हम रखते हैं इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इसका तो मान 1 हो गया, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स बचेगा पाई बाई 2। अब यहां से देखें हम, यानी कि ये पाई बाई 2 इधर प्लस का है, ये भी बराबर है इधर प्लस का, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम इसे काटना चाहे तो यहां पर भी हम इसको काट सकते हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहां sin इनवर्स 1/5 बचा इक्वल टू, ये माइनस का है इक्वल टू के उधर ले चलेंगे तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा sin इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स है साइन इनवर्स से ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे 1/5 इक्वल टू एक्स, इसको सीधा करके लिख लेंगे एक्स इक्वल टू 1/5, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आती है। सेकंड सवाल में हम यानी कि आपने 15वें सवाल में हम चलते हैं अगले वाले स्टेप पे, इसमें देखे क्या करेंगे हम, इस सवाल को यहाँ पहले हम लिखते हैं यानी कि टैन इनवर्स एक्स माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। हमने आपको भी पहले ही वीडियो में बताया था कि यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, ठीक है वही फार्मूले से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखें कैसे करते हैं, हम यहां लिखते हैं यानी कि फार्मूला, फार्मूला हमारे पास आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स यानी कि y इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से हम इसमें चलेंगे। तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, अब x की जगह ये पूरा मान है, ये पूरे मान को रखना, y की जगह ये पूरा मान रखना, हमने लिखा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, फिर बटे में आ जाए, बटे में 1 माइनस एक्स वाई है तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये है यानी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इन टू में वाई की जगह रखना है ये वाला स्टेप एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये इक्वल टू हमारे पास पाई बाई 4 आता है। अब देखेंगे ये जो tan इनवर्स है उधर जाके हमारे पास हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स खत्म, यानी माइनस की पावर खत्म हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, उधर जाके इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लिया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये एलसीएम ले लिया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें सबसे पहले एक्स से करेंगे दोनों पदों में, फिर माइनस 1 से एक्स से इसके साथ करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 1 से करेंगे माइनस का x माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 2 2,
फिर इधर से हम करेंगे इसके साथ, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही का एक्स, फिर माइनस दो से करेंगे माइनस का दो एक्स माइनस का टू, ये आया। फिर ऐसे हम बटे में चलेंगे, देखिए बटे वाले इस टाइम में हमको चलना है, तो इसमें भी हम इन दोनों का एलसीएम ही लेके हल करेंगे, तो वन माइनस इनको देखे, ये हमारा एक बात देखो फार्मूला बनता है क्या होता है, अगर ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये होता है। अगर इस रूम में हमारे पास सवाल दे रखा तो इस रूम में हम लिख सकते हैं, अगर इस रूम में है तो इस रूम में हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ये मान जो दे रखा है ये वाली ब्रैकेट में इस रूम में है, तो इस रूम में हम इसको लिख लेंगे, ऐसे नीचे भी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम उसको हल करते हैं, हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, नीचे आ जाते हैं हम, इसको अगर हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको भी एक्स प्लस टू करके लिख लेते हैं, ये लिख लिया हम। अब इसके नीचे वन मान लेते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू टेन, इधर आएगा हमारे पास ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर। अब इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ऊपर, पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टू एक्स प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दो दो माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के चार हो गए बटे में, इससे इसकी गुणा करेंगे, तो ये भी देखें हमारे पास इसी रूप का एक फार्मूला बनता है, तो इस फार्मूला बना के हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, तो इसका फार्मूला बनेंगे तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इस तरीके माइनस, फिर इससे वन से करेंगे तो वही यानी कि गुणा आएगी, वन से किसी भी मल्टीप्लाई करें आता उतना ही है, एक का वर्ग एक ही होता। फिर यहाँ पे हमने बटे में हमारे पास ये वाला जो एलसीएम था यानी कि वो उसको लिखना है, जो हमने एलसीएम लिया था ये वाला, यहाँ लिखते हैं हम एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ये लिख दिया अपॉन में इसके, ऐसे हम इसका भी एलसीएम लेंगे एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ये लिख दिया। अभी ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक सा स्टेप है, हमारे पास बचा क्या है इक्वल टू, यानी कि टेन पाई बाई फोर का मतलब टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस की वैल्यू होती है वन। अब यहाँ पे हमारे पास बचा टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर अपॉन इसका वर्ग, तो ये नहीं एक्स स्क्वायर ही रहेगा, दो का वर्ग हमारे पास ये हो गया चार, और इसकी ब्रेकेट बोलते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का वन इक्वल टू वन। देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसे काट देंगे हम, हमारे पास यहाँ बचा जाके यानी कि टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर, फिर अपॉन में हमारे पास देखिए चार में से एक कम हो रहा है तो माइनस का तीन बचा है इक्वल टू वन। फिर इधर देखते हैं, अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे वन मान के वन से करेंगे तो उतना ही आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर इक्वल टू यानी कि थ्री वन जा थ्री। अब ये फोर उधर जाएगा हमारे पास तो कायदा हो जाएगा ये प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। फिर क्या करना है हमको, देखे चार में से तीन कम हो रहा है तो घटा देंगे तो हमारे पास वन बचेगा प्लस का। अब दो हमारे पास कहाँ जाएगा, ये जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा की चीज जो भी होती है वो भाग में जाती है। अब इसका स्क्वायर आएंगे उधर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो वन अपॉन टू का अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब एक्स इक्वल टू वन तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है लेकिन टू नहीं आएगा तो वन अपॉन अंडर रूट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।